हो करबी वाली, अरे हो करबी वाली, का करथिया? ए का हो खजीजी, बस यहाँ घर के काम धाम झाड़ू और का। अच्छा ये बता, तो लड़का कहाँ है? सुटुल्ली कहा जीजी? सुटुल्ली का कौन काम पड़ गया तुम्हार? अरे वोरी का बताऊं, अब स्कूलन के छुट्टी चला थी तो मो लड़का कहा मुही अपने सब दोस्तन के साथ घूमे जाख है, अम्मा घूमे जाख है। तो अम्मा कहा लड़का आई है दिन तो आए खेले खाए के उनके, तो मैं सब लड़कन का टाला के एक था बढ़िया गाड़ी बुक कर देने हूँ, तो बढ़िया घूम आई है फिर आई है, वह उनका मन बदल जाई। तो मैं कहा तो आरो लड़का चला जात वहाँ घूम फिरावत, यही से आए मुको सका तैयार कर दीने। कहा मामा थाई बेच आए? अरे हाँ माँ, आज तो पूरी सब्जी बेच के आए हो, पूरी पूरे के पूरे 430 रुपया के भी है। तो कह रहे हैं ना 400 फलाने कक्का के देता है, तो मैं वही के देता हूँ 30 रुपया। मैं काट लेने हूँ। कहे कहे काट लेने हैं? अरे जे के तो गए रहे हैं ताठी भर दूध अचाउर, अब 30 रुपया कौन है सबका काट लेने? चुप्पा दे, अने तो महारानिया तो हाथ पांव तोड़े ही हैं। अरे अम्मा, वो मुख्तार जी कह रही नहीं ना कि एक बाल पहाड़ी के पुस्तिका ले लेने, तो मैं कहूँ आज मेरे पास पैसा है ज्यादा कछु, आज पूरी सब्जी भी तो बेचा रहे हो, तो मैं ले लेने। कहे तो यह कापी किताबन का अचार डालेंगे का भपकी हा? है अचार डाले खाई तो कलेक्टर बने खाई, चुप्पा लौटा के आओ वही के 30 रुपया लेके आ, शाम के कोनो खर्चा खूंट का हो जाई है। मैं ना लौटाव जई हूं, होय गए मुने नीक लागत है, मैं अपन कापी लौटाव ना जई हूं। रह भाप की है तहे गांव गांव में सब्जी बेचा था तो तोय हाथे पैसा औथी तो कटौती कर लेते हैं। रुक रुक ताय, अब मैं गजवाधर चाचा के साथ है तुमका भेजा थू परदेश है, तय परदेश में कमाई है बहुत अजलत करते है ते हैं, इतनी अजलत तो मैं ना देखियो, जय हुआ जई है हुआ कमाई है तो कम से कम खाते में पैसा आई, तब ना तो 1 रुपया काट पई है। रुक मैं सकारन बात करत हूं, मैं तो तैयारी बनावत हूं। बघार मोय आखिन वाट हो जाए, अरे वो बदौसा वाली के लड़का का देखा, अबे पूर पूर 10 साल का नहीं है तो इसे छोट आए, अब अपने महतारी बाप का गुहार लखपति बनाए दीहिन लखपति, अरे राज करती वही के बाप महतारी, आई एक ताया ही भाप की हा, 4 पैसा के अगर बेचे तो वह में कटौती कर ले था भाप। बहरे करबी वाली तू ही तो मैं आ जा जाने ते महतारी यही कि हत्यारी नान बुदल लड़का, अगर अपने कापी किताबन का 30 रुपया ले लीस तो वही के 10 बेगार डाए। अरे हद करे हा, मैं तो कहूँ सकारे तो लड़का का घूमे पठाई दे हूँ, घूम फिर रही है लड़का बच्चा यही दिन ख्याल के आए, तो यहाँ अजब ढंग है। अरे जीजी साव के सीधी बात देखा, ये खेले से पेट नहीं भरता है, अब जब 4 पैसा बेच बाँच के ले आई है तो वह रोजी रोटी चली ठीक है, मुहे निहा सही तारी ना मुहे लड़का का इंतन घूमे फिर ख्याल है खाते, तुम अपन भेज दिया। अरे करबी वाली बाल मजदूरी एक व्यापार आए, अब बचपन में ख्याल तो बच्चन का अधिकार आए, तहु का गजब करे हा। अरे तुरा वाली जीजी तुम अहू का या परपंच रस्ती हो, अरे रामदेव बदौसा वाली का लड़का 10 साल का है और ना कछु मेहनत आए ना कछु, एक दिन में कम से कम 10,000 के कमाई आवत ही। अरे करबी वाली तब मुही ना बता कि उनका लड़का कसत का मात है,
अरे एक दिन में 10,000 कमाए का मतलब समझतिया? अरे भीख मंगवावती अपन 10 साल के पूर्व लड़का नहीं भाई, भीख मंगवावती रोड में बैठ बैठ बेचारा सुबह से शाम तक भीख मांगत है। अरे लड़का बिटिया तो हमार आखिन का पुतरा हो थी और हम उनसे वह इतनी छोट उम्र में भीख मंगवाउन कौन शोभा दे थे का? आई जी जी, तो भीख मांगे से कोनो खिया जाते का? सुबह से शाम तक बैठे तो रहा थे, इतना तो कोनो काम धंधा नहीं मिलती है जितने मिल जाती। और वही का अतर्रा वाली का लड़का गुहार जब से परदेश से चला गा, वहाँ से अपने महतारी का महीना के महीना गड्डी के गड्डी भी आ जाता है। अरे वो तो मोह लड़का से छोटा है जी जी। अरे हाँ हाँ, वहू का मुँह ही पता है, परदेश में हुआ कौनो कलेक्टर गई ना वहाँ करे थे नान बुदल लड़का। अबे पूर 14 साल का नहीं है। अरे एक सेठ के है नौकरा है, दिन भर बर्तन मांजत है उनके जूठ, उनके कपड़ा धोवे, उनके लत्ता धोवे, ऊपर से 2 वक्त के रोटी नहीं पावता है, जूठन कूठन जौन पावा खाए लिही से। अरे मुँह 1 साल मिला रहा तो सब बतावे, ये महतारी बाप के मारे घरे नहीं रह पावता है तो वहाँ बेचारा का करे, कमा कमा इन्हें दिया था इनके थोभरा शुद्ध रहा थी नहीं तो। हाय तो कहा भाजी जी, काम है भूत तो आई करत है। अरे धन है करबी वाली, धन है, पर सुन ले, अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चन से जबरदस्ती काम करवावा जात है ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करब माना जात है। और हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानन में 14 वर्ष से कम बच्चन का काम करब सख्त मना है, बिल्कुल सख्त मना है। और तो और, जौन महतारी बाप अपने 14 साल के कम उम्र के लड़का बच्चन से जबरदस्ती या बाल श्रम करवावत है ना, तो वही 2 साल के कैद और साथ में 50,000 रुपया जुर्माना लागत है। अरे मैं तो यह सोचा था कि कसत के महतारी बाप आहो। अरे हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चन का फ्री पढ़ाई है, 8 तक के पढ़ाई तो उन्हें बिल्कुल फ्री है, ना तो उन्हें बस्ता, ना कापी, ना किताबें, ना भोजन, कुछ तो नहीं लागत है। अरे जब सरकार इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्था करके अपन कर्तव्य निभा रही है तो हम तो महतारी बापा हैं। अरे हमार कर्तव्य है अपने बच्चन का पढ़ावब लिखावब, ना कि ये बाल मजदूरी करवावब। देख आए जीजी, अब वाए जीजी मैं नहीं जानती हूँ, पर हाँ इतना जरूर कहती हूँ कि अगर आज हम अपने लड़का बिटिया उनका पढ़ा लिखा देवे, उन्हें सक्षम बना देवे, तो कल उन कोनो बढ़िया अच्छे अधिकारी बनी है, डॉक्टर बनी है, मास्टर बनी है, एक से एक सरकारी नौकरी है। अरे पढ़ लिख के उन्हें सक्षम तो बनावा, फिर वो तो महीना के गड्डी दे हैं, फिर देख सुख। और आज का उनका बचपन छीन के हम उनसे पैसा कमवाई थे, अरे लानत है हमें ऐसे महतारी बाप पे। अरे बच्चन का बचपन तो एक अनोखा सपना होत है, हम उनके उन सपनन का छीनी थे, हद है करबी वाली, हद है। अरे मोई गुहार जी जी, यह बात तुम्हारे दिमाग में उबे नहीं भी है, यह तो तुम सही बताया, 8 तक तो लड़का बिटियन का फ्री पढ़ाई हाई है, और फिर आगे चल के हम कछु मेहनत करके उन्हें पढ़ा लिखा देवे, अगर हम कुछ कलेक्टर अधिकारी मास्टर डॉक्टर कुछ बन गए तब तक खूब पैसा कमाई है ना, फिर तो मुई माला माल कर दे कमा कमा के। अरे मुई इतना दिमाग कहे ना हो तुर वाली जी जी, तुम्हारे बड़ा दिमाग है। अब तो ना मैं अपने सुटुल्ली का बाहर भेजी हूँ, अब तो मैं वही का पढ़ाई हूँ, फिर मारो लड़का बढ़िया मास्टर बनी या कुछ डॉक्टर बनी। आय हाय जीजी, राम दे तुम वही आँखी खोल दी ना, आय हाय मोरो लड़का अब कमाई नौकरी करी, पर वही के पहले वही का मैं अच्छे से पढ़ाई हूँ। आई गुहारे में पाप आय करत रही हूँ, अपने लड़का का घामे में बतावा, फिर आवत रही हूँ सब्जी बेचावत रही हूँ। छी छी छी, मुझे तो अपाए रामदेव ऊपर जीजी अब बहुत घृणा होती, माफ कर दिया मुझे जीजी। चल तू ही अपनी गलती का पश्चाताप है, यह काफी है।
हाँ तो भैया बहनी हरा देख लिया, मेहनत मजदूरी बच्चन से ना करवावा, इन हाथन मा कलम थमावा। बाल मजदूरी है अभिशाप, बालकों से मजदूरी करवाना है पाप। समझा कछु कि नहीं? और हाँ, तुम पंचन से मैं सब जने से कहा थूं कि अगर तुम्हें गांव समाज गली मोहल्ला नात रिश्तेदार तुम्हें आस पड़ोस कहूँ भी अगर ये बाल मजदूरी जैसा घिनप्पन काम होत है तो तुम वही कर रोक सकत हो, तुम वही कर रोक सकत हो भैया बहनी हरा। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। एक बात और तुम्हें बता दूं, तुम यमा अपने का डराओ ना, तुम्हार सूचना गुप्त रखी जाए, तुम्हार नाम पता सब छिपावा जाए। ठीक है, बाल मजदूरी हटाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे।